सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है भाई साहब। आज सैटरडे का दिन है, बाल काफी लंबे हो गए लेकिन आज कटवाने का टाइम नहीं है, कल कटवाऊंगा। कल संडे को जाऊंगा टाइम निकाल कर, कल बाल कटवाऊंगा। फिलहाल मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। आज मैं थोड़ा इन सालों वाला ब्रेकफास्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्वांटिटी में तो देखो कम ही रखूंगा क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा खाया नहीं जाता, ऐसे ही होता पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे डाइट बढ़ाएंगे तो थोड़ा इन सालों वाला ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। फटाफट से अपने लिए बनाता हूँ। अपना भरा पूरा नाश्ता ले आऊं, एक स्क्रैम्बल ले गए, एक ब्रेड है टोस्टेड, ये पता नहीं क्यों ऐसी हो गई, वैसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी साइड से देखो बिल्कुल नॉर्मल है, और साथ में कॉफी है ऑब्वियसली। अगली चीज कर लेता हूं, और अगली चीज का नाम है कि मुझे करना है एक अपना असाइनमेंट, और उसके अंदर क्या करना है कि मुझे एक रिफ्लेक्शन लिखना है 3 पेज का। यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ये लोग क्या चाहते होते हैं हमसे कि हम लोग रिफ्लेक्ट करें कि हमने क्लास में क्या सीखा है, सारे असाइनमेंट से क्या सीखा है, मतलब कुछ भी चीज उठा के उसके ऊपर बताओ कि तुमने एक्चुअली सीखा क्या है, तो बस कोई बातें पहलनी होती है। लेकिन क्या है कि मैंने ना इस क्लास में ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं है, तो इसमें ना 3 पेज की बातें पहलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। देखो पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के अपना ये लाइफ एक्सपीरियंस डाल के और इसने जो बोला उसको सब बुड़ बुड़ करके एकदम 3 पेज पहल देता हूँ फटाफट से, खत्म करता हूँ। तो ये वाले सब्जेक्ट में 2 रिफ्लेक्शन थी, जो पहले वाला था उसमें मैंने अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें और इसकी बातें सब पहल के मिला जुलो के मेरे फुल आ गए थे, तो फिर से कर देता हूँ। क्योंकि देखो बातें तो तुम्हें पता ही है मैं बहुत कर लेता हूँ, अब ऐसे देख लो कितनी बातें करने चला जा रहा हूँ मैं। कुश्ती के बारे में भी कुछ भी बातें कितनी भी देर तक कर सकता हूँ भाई, मैं बातों का टैलेंट है, बहुत बातें करता हूँ मैं, वो भी अलग अलग वर्जन है मेरे पास कि कभी तो मैं एकदम सीरियस होकर तुमसे एकदम कायदे की बात कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से आर्टिकुलेट करके अपने थॉट्स रखूंगा, अपने वर्ड्स यूज करूंगा, या कभी मैं एकदम ऐसे कैजुअल होता जैसे मैंने अभी बात करी तुमसे, यार यार कर लेंगे। तो देखो दोनों तरीके क्या है मेरे पास, या कभी मैं एकदम फन हो जाता हूँ तो फन वीडियोस तो देखी, या कभी मैं एकदम सीरियस हो जाता हूँ, ऐसे ही है मेरा, मैं वेरिड वर्जन, काफी डायनामिक पर्सनालिटी है मेरी। ऑलराइट गाइस, सो आई जस्ट गॉट डन विद द असाइनमेंट, मैंने बहुत ज्यादा बातें फेल दी, मेरी तो उम्मीद से ज्यादा बातें फेल दी, मैंने मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इतना लिख पाऊंगा, पर मैंने तो बहुत जल्दी बहुत सारा लिख दिया। तो अब चलते हैं बाहर। पर उसके पहले प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, और दूध भी खत्म होने वाला है, यही लेने जाना है। तब तक फुटेज ट्रांसफर हो रही है जब तक मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, उसके बाद दूध लेने जाऊंगा। भाई साहब एकदम एडवेंचरस दिन है, और आज तो खाना भी बनाऊंगा, आज खाना बनाने का मन है मेरा, वैसे अच्छा खाना खाना चाहिए ना। देखो तो आज बनाने का न्यूट्रेला सोयाबीन, मेहनत ज्यादा लगती है उसमें, मेहनत ना सिर्फ यही है कि उसमें ना अनियन टोमेटो काटना पड़ता है, उसका वो सब बनाना पड़ता है ना मसाला, तो वो अनियन टोमेटो काटने के लिए जो ब्लेंडर है वो हमारे छोटे साइज का है एक तरीके से, अब वो छोटे साइज का है तो उसमें एक साथ उतने अनियन टोमेटो जाते नहीं है, तो उनको इंस्टॉलमेंट्स में करना पड़ता है, तो ईएमआई में अनियन टोमेटो होते हैं और फिर उसमें ज्यादा मेहनत लगती है उस चक्कर में, और प्याज काटने में और जब उसमें ग्राइंडर में घुर या ब्लेंडर में घुर हो रहे होते हैं तब तक मेरी आंखों में से मस्त पानी आता रहता है, तो ये सब डिफिकल्टीज होती है। लेकिन क्या करे, खाना भी तो फिर बढ़िया बनता है, क्योंकि मेरे हाथों में तो देखो जादू है, मैं एक बार खाना बनाता हूं तो बढ़िया ही बना देता हूं, और फिर नई वाली रोटी नए वाले मुझे फुल के लाया हूं मैं, वो भी तो टेस्ट करने है ना यार, तो बढ़िया लगे एकदम सोयाबीन के साथ खा के देखूंगा कि क्या मामले है उस फुलके के। ऑर्गेनिक वाली ग्रोसरी स्टोर में यहाँ पे क्या है कि दूध ना $1 महंगा मिलता है पर बेटर क्वालिटी का मिलता है, और 2 घंटे लाइन नहीं लगना पड़ता दूसरे वाले स्टोर की तरह, तो यहीं से फटाफट दूध उठा लेता हूँ, अगर एक ही चीज लेनी है तो सही है ना। दूध की परचेज डन हो चुकी है, और आज मैं थैला अपने घर से ही लेके आ गया, क्योंकि हम ऐसे थैले बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लेते हैं इसलिए कि भाई कभी काम आएगा तो इकट्ठे कर लेते हैं और कभी लेके नहीं जाते, और दुकान में हमेशा नया ले आते हैं, पर आज मुझे याद रहा तो मैं अपने घर से ही थैला ले आया था टारगेट का। खाना पूरे जोरों शोरों से बन रहा है, तो मैं प्रोसेस में आगे बढ़ चुका हूँ, अब कुकर गरम हो रहा है, ये पूरा रेडी है, इसी से ही मसाला बनेगा, घी रेडी है, मसाले रेडी है, यहाँ पे ये वाले मसाले रेडी है, बढ़िया खाना बनाऊंगा मैं एकदम। तो जो पूरा अनियन टोमेटो था उसमें मसाले वसाले डाल के सब पूरा प्रिपेयर कर दिया मैंने, अब ये भुनेगा अच्छे से, और इसका जो घी है वो अलग हो जाना चाहिए, और उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा तब तक के लिए एडिटिंग कर लूंगा। चलो भाई जोरों शोरों से एडिटिंग तो चली रही थी, अब जाके देखता हूँ खाने के क्या मामले हैं, कुकर वुकर मैंने सब कर दिया, तो कुकर खोल के देखता हूँ कि कैसा बनाया है और क्या बनाया है, और बना भी है कि नहीं बनाया है। अब ये पूरा रेडी हो चुका है, एक बार मामला देखो, मतलब ये देखो, ओ माय गॉड कितना रिच लग रहा है, एकदम शाइन देखो कितनी है इस पे, एकदम ग्लॉसी भाई साहब, वाह इतना वेल मेड। तो मस्त खाना मैंने बना लिया, 9 बज रहे, अब जिम चलते हैं फटाफट से, 1 घंटा जिम करूंगा, आके प्रोटीन शेक पीऊंगा, और आधे पौने घंटे बाद फिर खाना खा लूंगा जो कि एकदम रेडी और जो कि एकदम स्वादिष्ट होने वाला है यार, क्योंकि देखो मैंने बनाया ऑब्वियसली, होगा तो बहुत बढ़िया। ऑलराइट गाइस, सो नाउ आई एम इन द जिम एंड आई एम गोना डू माय सुपर इंटेंस वर्कआउट, जो एनर्जी ड्रिंक अभी मत दे दे। मैंने अपने नए वाले फुलके निकाल लिए, जो साइज में पहले वाले फुलकों से थोड़े छोटे हैं, पर देखता हूँ टेस्ट में कैसे हैं।
मैं अपना खाना लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। सोयाबीन है, दो फुलके हैं जो साइज में थोड़ा छोटा, पता नहीं कितना पेट भरेगा या नहीं भरेगा। और साथ में कोका कोला भी ले आया हूँ आज तो मैं। भाई बहुत ही बढ़िया खाना बनाया मैंने, कमाल कर दिया। तो ये जो फुलका है ये भी बढ़िया है एकदम, और इसको बनाने का तरीका भी होता है। यू शुड नो कि इसको भी कैसे बनाना होता है कि ये परफेक्ट बन जाए, जो कि एक्सपीरियंस हो गया मुझे पहले वाला बना के। लेकिन ये भी बढ़िया है, बस साइज में छोटा है और कोई बात नहीं है। और जो मैंने बनाया सोयाबीन, ओए होए 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 होए, बहुत ही बढ़िया खाना बन चुका है अब एकदम। दावत